वीरेंद्र कश्यप श्री जी। मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय से जानना चाहूंगा, और उससे पहले मैं थोड़ा विवरण अपने पहाड़ी क्षेत्र से संबंधित मामले की बात करना चाहता हूं कि मनरेगा के माध्यम से मैं चाहता हूं कि वहां पर जो जंगली जानवरों द्वारा छोटे छोटे हमारे जो किसान हैं उनकी जो है फसलों का नुकसान होता है, क्योंकि चारों तरफ जंगल हैं और आज वहां पर बंदर और बहुत सी जो हमारे जंगली जानवर हैं उनके माध्यम से बहुत भारी नुकसान होता है। हम उन जंगली जानवरों को और बंदरों को मार नहीं सकते हैं, और छोटी छोटी वहां पर जो हमारी खेती है उसकी वजह से वो जो गरीब लोग हैं उनको दिन में वो अपने रोजगार के लिए बाहर चले जाते हैं, और उसकी वजह से होता ये है कि वहां पर पीछे से बंदर और जंगली जानवर रात को जो है उनकी फसल तबाह कर देते हैं। मैं आपके माध्यम से एक सलाह देना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि क्या वो ऐसी कोई योजना मनरेगा के अंतर्गत करेंगे कि जिससे वहां के स्थानीय किसानों को वहां रोजगार भी मिले और अपनी फसल जो है उसकी रखवाली करने के लिए जो है वो इसमें प्रबंध भी किया जाए। दूसरा मैडम महोदय, इसके साथ ही है कि हमारे पहाड़ों में खास करके जंगलों को हमने बचाना है, और पहाड़ों में जंगलों को बचाने के लिए गर्मियों में जो वहां पर आगें लगती है, क्या आप कोई ऐसा प्रावधान करेंगे कि जिससे जो हमारा फायर सीजन होता है जंगल जब गर्मियों के दिन होते हैं तो क्या वहां फायर वाचर जो हैं वो मनरेगा के माध्यम से आप रखेंगे ताकि वहां रोजगार भी उपलब्ध हो और वहां हमारे जंगल भी बचें? ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। धन्यवाद महोदय। एक्ट के शेड्यूल वन के अंदर कार्य निर्धारित कर किए गए हैं, वही काम इस एक्ट के अंतर्गत किए जा सकते हैं। अभी उनके इस प्रस्ताव के संबंध में कोई विचार नहीं है।